दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई इंडिया में अगर आपकी बजट जो है वो अगर 30,000 की है तो 30,000 के अंदर सबसे अच्छा DSLR कैमरा कौन सा है। तो हम अगर नाम को सॉर्ट आउट करके हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं अगर हमारा बजट है 30,000 का, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है 1300D, कैनन का 1300D है, फिर कैनन का 3000D आता है, और 31,000 पे मतलब 1,000 और अगर हम जोड़ दें तो निकॉन का D3400 कैमरा आ जाता है, जो कि कहीं पे 29,000 में भी अवेलेबल है, 30 में भी, 31 में। ये डिपेंड करती है आपकी नेगोशिएशन स्किल पे, आप कितना निगोशिएट कर सकते हैं रिटेल स्टोर वालों से। हालांकि 30,000 के राउंड फ्रेम में ये तीन कैमरे आ रहे हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, 1300D, 3000D कैनन का और निकॉन का ये 3400D। बट अब हम बिगिन करते हैं कि इन तीन कैमरों में से कौन सा कैमरा लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं सबसे पहले बिगिन करने के पहले कि मैंने ऑलरेडी एक कंपैरिजन वीडियो किया है जिसमें कि मैंने कंपेयर किया है 3000D वर्सेस 1300D, तो वो आप मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं जब आपको टाइम हो। अगर इन शॉर्ट में बात करूं तो 1300D और 3000D बोथ आर मिरर ऑफ ईच अदर हैं, दोनों का कोर स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, बट 1300D की एक छोटी सी एडवांटेज है, कैमरे का माउंट है 1300D का वो मेटल का है और जो 3000D की जो माउंट है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और जो ओपिनियन है वो ये है कि हमें एक मेटल माउंट का ही कैमरा खरीदना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा कंपेयर टू ए प्लास्टिक माउंट कैमरा। तो इन दो कैमरों में से तो डिसाइड हो गया कि 1300D बेटर है। अब हम बात करते हैं निकॉन के D3400 कैमरे, क्या डिफरेंसेस हैं इन दो कैमरे, कैनन के 1300D 3000D वर्सेस निकॉन के D3400 कैमरे में। सबसे बड़ा एडवांटेज जो सबसे शुरू में हमको दिख जाता है वो है रेजोल्यूशन का। तो दोनों कैमरों में या तीनों कैमरों में कहें कि APS-C सेंसर लगा हुआ है, कैनन का 1300D और 3000D में एग्जैक्टली सेम 18 मेगापिक्सल की सेंसर लगी हुई है जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी कैनन 7D के साथ तकरीबन 7 से 8 साल पहले। डिजिट 4+ इमेज प्रोसेसर लगा हुआ है। इधर हम बात करें तो इसमें लगा हुआ है 24 मेगापिक्सल का सेंसर, निकॉन में एक्सपीड 4 इमेज प्रोसेसर है। डिफरेंसेस क्या है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ बिट हायर रेजोल्यूशन, निकॉन ISO रेंज आपको दे रही है 25,600 तक और कैनन की जो ISO रेंज है वो लिमिट कर जाती है 12,800 में। तो एक तो सेंसर रेजोल्यूशन लो है, ऊपर से ISO रेंज भी कम है, जबकि बात उल्टी होनी चाहिए थी, जिन कैमरों का इन जनरल रेजोल्यूशन लो होता है उनकी ISO रेंज ज़्यादा होती है, बट क्योंकि ये सेंसर काफ़ी ओल्ड है इससे ज़्यादा ISO रेंज की उम्मीद करना वाजिब नहीं होगा। निकॉन जो है आपको एक स्टॉप ज़्यादा ISO रेंज दे रही है। कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात करें तो निकॉन D3400 कैमरा 24 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन होने के बावजूद 5 फ्रेम्स पर सेकंड कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड सपोर्ट करता है, जबकि कैनन के ये दो कैमरे जो हैं 1300D या 3000D 3 FPS पे लिमिटेड है, रेजोल्यूशन है 18 मेगापिक्सल का। तो आप जान सकते हैं कि एक कैमरा जो है 18 मेगापिक्सल के फाइल को 3 FPS पे प्रोसेस कर रहा है और एक कैमरा जो है 24 मेगापिक्सल के फाइल को 5 FPS में प्रोसेस कर रहा है। तो ऑफकोर्स जो इमेज प्रोसेसर है निकॉन का वो ज़्यादा तगड़ा है कंपेयर टू कैनन। अगर हम वाईफाई NFC कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे निकॉन का कैमरा मात खा जाता है। निकॉन D3400 कैमरा लिमिटेड है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे और जो कैनन के 1300D और 3000D कैमरे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं वाईफाई और NFC कनेक्टिविटी। तो वाईफाई NFC कनेक्टिविटी से आप लार्ज फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली अपने स्मार्टफोन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें इनेबल हो जाती हैं वाईफाई NFC से। ब्लूटूथ से क्या होगा कि जो आपकी फाइल ट्रांसफ़र साइज है वो 2 मेगापिक्सल पे लिमिटेड रहेगी स्मार्टफोन ऐप्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इमेज क्वालिटी किसकी अच्छी है। ये दो कैनन कैमरों में एक ही सेंसर लगाया है सेम 18MP का और निकॉन में 24MP का। तो अगर आप सिग्नल टू नॉइज रेशियो की बात कर लें या लो लाइट परफॉर्मेंस की या डायनेमिक रेंज की, हर एक चीज़ में निकॉन D3400 कैमरा बेटर पाया गया है टेस्ट में। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है, अगर आप अपने फोटोग्राफी करियर की शुरुआत करना चाहते हैं एक अच्छे कैमरे के साथ तो निकॉन का D3400 कैमरा ही लीजिए। अगर हम थोड़ा और डीप घुसे कंपैरिजन में, जो कि कंपैरिजन इंजन नहीं बताते हैं इन जनरल एंट्री लेवल फोटोग्राफर्स को, आपको जानना ज़रूरी है ऑप्टिकल लो पास फिल्टर की बात
ऑप्टिकल लो पास फिल्टर निकॉन नहीं यूज़ करता है फ्रॉम देयर बेस्ट DSLRs टू देयर हाई एंड DSLRs, लेकिन कैनन की ऐसी बात नहीं, कैनन का सिर्फ एक कैमरा है 5DSR जिसमें कि ऑप्टिकल लो पास फिल्टर नहीं लगा हुआ है। तो जो निकॉन ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि वो लोग रिमूव कर दिए हैं ऑप्टिकल लो पास फिल्टर को अपने DSLRs में, इससे बहुत बड़ा ये एडवांटेज मिलता है कि जो आपकी इमेज क्वालिटी रहती है वो सुपर शार्प रहती है। 100% व्यू पे भी देखिए तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल आपको दिखेगा। अगर आप कैनन की बात करते हैं तो उसमें ऑप्टिकल लो पास फिल्टर रहता है और उस लेवल पे डिटेल्स आपको नहीं मिल पाता है जिस लेवल पे आपको निकॉन का कैमरा देगा विदाउट ऑप्टिकल लो पास फिल्टर। तो ये भी बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ऑप्टिकल लो पास लेस सिस्टम कैमरा है, ये आपको ज़्यादा सुपर शार्प इमेजेस देगा, प्लस इसकी रेजोल्यूशन भी ज़्यादा है। तो ये जो दो प्लस पॉइंट्स है, क्योंकि रेजोल्यूशन ज़्यादा है प्लस ऑप्टिकल लो पास लेस सिस्टम है, तो जो डिटेल्स आपको मिलनी है निकॉन से वो ज़्यादा ही मिलनी है कंपेयर टू कैनन DSLRs। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है कि भले आपके 2 से 3 हज़ार या 4 हज़ार रुपये ज़्यादा लगे, आप निकॉन D3400 को प्रेफर करें, सेलेक्ट करें और बाई करें, क्योंकि यही आपकी फोटोग्राफी को एक नया आयाम देगा और आपको एक ज़बरदस्त सपोर्ट देगा जब आपको ज़रूरत रहेगी एक अच्छे कैमरे की। तो ये था मेरा आज का रिकमेंडेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं यहाँ पे, और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।